गुरुजी फल अच्छा लगता कम खा रहे हैं गुरुजी। गुरुजी तुम ओ सिट गुरुजी सोचे तो लचाएंगे लेकिन पहले ही खा के आया है कुल्फी। कोई बात नहीं कुल्फी खा। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तो आप सभी को धनंजय कुमार प्रियांशु ब्लॉग चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव, आप गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है लगभग 4 बजने में, लगभग अभी 5 मिनट तो है, ठीक है, यानी 4:01 हो गया, सॉरी 4:01 हो गया है। तो चलते हैं, रनिंग स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो आर्यन राज आया ही नहीं है, तो हम सोनू और कृष्णा करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं, मतलब रनिंग, और एक्सरसाइज करने के बाद आपसे टाइम मिलते हैं हाईवे पे, ठीक है, हाईवे पे यानी NH पे, ठीक है, चलिए चलते हैं। तो हेलो एवरीवन, तो एक्सरसाइजर हो गया, तो अब यहाँ चलते ब्लॉक। आज जो है साउंड भी बैटरी लो हो गया है, क्योंकि चार था फुल, लेकिन गाना इतना ना सुनो बजाया कि आज चार्ज लो हो गया, मात्र 1 घंटा में चार्ज लो हो गया अभी। तो चलिए अब यहाँ चलते हैं आराम से ब्लॉग, वहाँ पे भी लटके उठेंगे, उसके बाद तो क्या घर ही जाएंगे। सो गाइस बाय करते हैं और चलते हैं घर, ठीक है, सुनो बाय, मिलते हैं बाद में। तो हेलो एवरीवन, तो शाम के बज रहे हैं 6, ठीक है, सो के उठ गए हैं चैन की नींद लेते हुए, बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि लगभग 1 बजे ही सोए, लगभग 5 से 5 बजे उठ गए हैं। तो ठीक है, फुल एनर्जी के साथ सो के उठे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कल फिर से रनिंग करना है, फिर से सोना है, डेली का तो शेड्यूल ही बन चुका है रनिंग, और दोपहर में थोड़ा सा सो जाना, नहीं अगर सोते नहीं है, क्योंकि सोएंगे नहीं तो फिर रात में नींद आएगा, पर नहीं हम इसलिए सो जाते हैं ना, सोना भी चाहिए क्योंकि 3:30 बजे उठते ही है, ठीक है। तो 3:30 बजे उठते हैं, लेकिन यानी कि ना 2.5 घंटा पहले उठने के कारण 3 घंटा दोपहर में सो जाते हैं। चलिए सोख तो उठ गए, फ्रेश व्रेश हो गए हैं, अब चलते हैं खाना वाना तो खा ही लिए, चलते हैं नाश्ता करेंगे आराम से, या फिर चलेंगे मार्केट सब्जी उब्जी लाने के लिए। तो गाइस सब्जी उब्जी लेकर आ गए, साथ में कुल्फी भी खा रहे हैं। तो सोनू जी तो आज साथ में गए ही नहीं, तो हम ही खुद गए, सब्जी उब्जी ले आए हैं, कुल्फी भी खा रहे हैं। गुरु जी फल अच्छा लगता कम खा रहे हैं गुरु जी सोचे तो लचाएंगे लेकिन पहले ही खा के आया है कुल्फी। तो कोई बात नहीं, कुल्फी खाते हैं उसके बाद पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि कुल्फी खा लिए तो आप चाय खाएंगे नहीं, ठीक है। तो जैसे सब्जी रखते हैं, लो सब्जी रखो, कुल्फी है ना, फिर मिलते हैं आपके बाद में। हेलो गाइस, 9 बज रहा है, तो अभी तो 10 बज रहा है, खाना रेडी नहीं हुआ है, तो मम्मी बना ही रही है, तो रेडी होता है खाना, सुबह तो एकदम सो जाता है तुरंत, जय भी उठता है 4 बजे, उसको भी उठा देते हैं एडिटिंग करने के लिए। गुरु जी हमारा एकदम न्यूज देख रहा है, उठते ही पढ़ने के बाद न्यूज डेली सा है, न्यूज देखता है ये, तो क्या बताए, भूख जो जोर से लगा हुआ है, लेकिन बना रही थी जैसे खाना। तो गुरु जी बताइए और सब क्या चल रहा है आपकी पढ़ाई लिखाई? ठीक ठाक, आज तो आपका रजिस्ट्रेशन था, तो गुरु जी जो है 12th क्लास में आ गया है, उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, एडमिशन हो गया है 12th में, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर इसका एग्जाम है, अच्छे से पढ़ेगा ये भी, और मेरा तो 20 तारीख को प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल देंगे अच्छे से, ठीक है ना, लास्ट ही है कॉलेज का, लास्ट एग्जाम होगा प्रैक्टिकल, दर्शन नहीं होगा, उसके बाद कॉलेज का दर्शन होगा या नहीं होगा वो तो देखा जाएगा, अगर MSc में उसी में पड़ गया जी डी कॉलेज में तो और अच्छी है बात है, नहीं तो देखेंगे दिल्ली मुंबई यूनिवर्सिटी में जाने का। गुरु जी जाएंगे मस्ती के साथ, ठीक है, मिलते हैं आपसे डायरेक्ट खाने के टाइम में, अभी बहुत टाइम है खाने बनने में, लगभग लगेगा 10 से 15 मिनट और। सो हे गाइस, खाना पीना हो गया है, तो बस दूध पीना है, उसके बाद सो जाना है, तो ठीक है। तो आप सभी को गुड नाइट, अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।